जैसा कि आप जानते ही हैं, 17 के अंदर बहुचर्चित जो गुड़िया मामला रहा और बड़े लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत अभी पिछले कल जो उनके माता जी कृष्णा देवी जी थे और हमने मिलकर इसको सुप्रीम कोर्ट पे इस ऑर्डर को चैलेंज किया था, जो सीबीआई का जो उन्होंने अभी चलानी को पकड़ाया और जिसपे आर्गूमेंट्स होने हैं उस केस को लेकर केस में, तो उस आर्गूमेंट में पिछले कल बहस हमारे एडवोकेट जो वहाँ हमने किए थे पटिशनर मिस्टर भूपिंदर चौहान जो जिन्होंने काफ़ी मदद की, जो हिमाचल से ही ननखड़ी एरिया के रहने वाले हैं, तो उस केस में कल वो फुल बेंच में लगा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने गुड़िया मामले में हाई कोर्ट को कहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसमें सुमो ऑर्डर लिया था सबसे पहले, तो हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी है एक तरह की कि इस केस को यहाँ एडमिट करें और जो उसमें बेस्ट पॉसिबल निकल सकता है इस मामले में, और इसको कंसीडर करें, और भी हमारा जो वहाँ सवाल था जिस ग्राउंड पे हम गए थे वो सवाल था री इन्वेस्टिगेशन को लेकर, उस री इन्वेस्टिगेशन के सवाल पर अब दोबारा हम उसी कोर्ट के जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उसको टैग कर एक पटिशन हम हाई कोर्ट में डालने जा रहे हैं, वो मंडे ट्यूजडे को हम जाएंगे, और ये सब आप लोगों के प्रयास से, जो हर एक आदमी जो इस आंदोलन से जुड़ा रहा और खासकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसमें जहाँ जहाँ भी संभव हो पाया उसको जिंदा रखा, न्यूज़पेपर के माध्यम से जिंदा रखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने कवरेज के माध्यम से जिंदा रखा। सबसे बड़ी दाद देंगे हिमाचल के लोगों को जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष जितना हो सकता था इस केस में किया, लेकिन उसके बाद कानूनी बड़ी जटिल प्रक्रिया में आज ये 3 साल हो गए हैं, और बड़ी मैं एज ए हिमाचली और देवभूमि का होने के नाते मुझे बड़ा कई बार मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि पिछले साल जब गुड़िया के परिजन मुख्यमंत्री जी से मिले थे, शायद आपको जानकारी रही होगी 2019 का नवंबर के अंदर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था उनके पेरेंट्स ने कि हमारा मानना ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो पकड़ा ये नहीं है, हमारा मानना ये है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट खुद सीबीआई की कह रही है कि इसमें और लोग इन्वॉल्व, वो लोग कहाँ हैं, हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अधूरी है। तो उस टाइम बड़ा आश्वासन हमें मिला था सीएम साहब से, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिस्कस अपने जो लीगल एडवाइजरों से डिस्कस करने के बाद आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि उन्होंने कहा था कि इसमें कोई क्लॉजेज नहीं है इस मामले को उठाने को। उसके बाद तुरंत बाद दिसंबर में एक लास्ट चांस उनके पास हाईकोर्ट पे बाहर जाने का था, उन्होंने हाईकोर्ट को भी लेटर लिखा, लेकिन आखिर मजबूरन होकर सुप्रीम कोर्ट पे उनको रास्ता देखना पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट से आज ये फैसला कल आया है। और हम निश्चित रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मकसद ये नहीं था कि हमने ऑर्डर की कॉपी आपको वैसे भी दे सकते थे, लेकिन हमारा एक मैसेज है उस जुझारू जो करेक्टर जो उस केस में दिखाया था हर आदमी ने, हर झंडे डंडे को साइड रखकर, पॉलिटिकली विजिस को साइड रखकर, एक सामाजिक आदमी होने के नाते, एक इंसानियत के नाते जो लड़ाई लड़ी थी, जो जिंदा रखी थी, अब एक दोबारा से हम अपील चाहते हैं कि हाई कोर्ट में इस केस को जो हम रखने जा रहे हैं, और ये एडमिट भी होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑर्डर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रेशर बिल्ड करने की ज़रूरत है हाई कोर्ट के अंदर, ताकि वो गलतियां दोबारा सा ना हो जो हाई कोर्ट या और छोटी जो अदालतों में अक्सर हो जाया करती हैं। यही आप लोगों से आपके माध्यम से फिर दोबारा अपील करते हैं कि जितने ज़्यादा लेटर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को इस मामले में लिख सकते हैं लिखिए, ताकि एक दोबारा से एक ब्रॉडर यूनिटी बने, और एक माँ जो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अपना इंसाफ का इंतज़ार कर रही हैं, और मैं उनको दाद देता हूँ इनकी हिम्मत को कि हम भी इतने बड़े छोटे ट्रस्ट के कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने हमारे को साथ दिया, हम पे विश्वास जताया, तभी हम सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को पहुँचा पाए हैं। ये आप लोगों की, आप सभी की हमारी सांझी जीत है, और ये जीत तभी पूरी होगी जब न्याय मिलेगा, अधूरा न्याय है। इस अधूरी न्याय की लड़ाई को हम कानूनी तरीके से भी लड़ेंगे, और इसको और तरीके से भी लड़ने की ज़रूरत हमें महसूस होती है, हम इसको दोबारा से इसको हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने काफ़ी वाजिब सा ये सवाल है आपका, और काफ़ी पत्रकार दोस्तों ने पहले भी पूछा था, ये इसका जो फॉरेंसिक जो ओपिनियन आया है, जो सीबीआई का गांधीनगर का जो डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं सीबीआई ने इस केस में बहुत जल्दबाजी की है, जल्दबाजी में इसको निपटाने की कोशिश की है, और ये चरानी जो आप जिसका नाम कमलेश है, कमलेश उच्च नीलू जिसको चरानी से ही जिक्र किया जाता है, तो उसका भी केस चल रहा है, आर्गूमेंट्स पे केस है, और यही छोटी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंदर बेंच नंबर 2 में लगा है, और उस पर अब आर्गूमेंट होनी है, और 13 तारीख को उस पर हेयरिंग होनी है। तो ये उसको भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सवाल है हमारा, सिर्फ इतना है कि और जो 7 के लोग वो कहाँ हैं, कौन है कौन नहीं है, वो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं, एक आदमी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं होता है, कोई भी अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, जिसका जो काम है वो अपनी बड़ी ईमानदारी से करे,
जो बड़ी ईमानदारी से नहीं हुआ वो आप सब जानते हैं, और ये हम विश्वास जताते हैं कि जो इसमें केस के अंदर जो फाइंडिंग्स आई वो आपको हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। कुछ मामले कानूनी पेचीदा रहते हैं, उस पर धीरे अगर हाई कोर्ट के अंदर या कंपिटेंट बेंच के अंदर ही हो तो वो सही रहता है। तो उसमें काफ़ी कुछ लॉ आपका गुड़िया का 7 तारीख को, उसमें इतने कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब सही तरीके से जहाँ पोस्टमार्टम हुआ है वो भी डॉक्टर ने दे पाया। उस क्रॉस एग्जामिनेशन को हमने एक पार्ट बनाया, सीबीआई के फॉरेंसिक लैब को एक पार्ट बनाया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिसपे सुनाई पर, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे हज़ारों केसेस जो हैं रेप के आते हैं और उसका एक अपना प्रक्रिया अलग है। उस पर सबसे पहले जो आपका जब आप पिटीशन करते हैं फाइल तो वो पहले आपका स्क्रूटनाइज होता है, क्लेरिकल उस पर स्क्रूटनाइज करके भी सुप्रीडेंट लेवल पे जाता है अगर उसमें कोई बेस हो। सुप्रीडेंट के बाद फिर रजिस्ट्रार लेवल जाता है, रजिस्ट्रार के बाद फिर मेंशन लिस्टिंग ब्रांच में जाता है, फिर फुल बेंच में जाता है। तो इसकी जो केस की उसको देखते इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये फुल बेंच में लगा है और एक अच्छा उन्होंने डिसीजन दिया है उच्च न्यायालय ने। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट भी इस पर कड़ा संज्ञान लेगा, और जो हमारी लड़ाई है जो 4 साल से हम लड़ रहे हैं, हर इंसान लड़ रहा है, कहीं ना कहीं गुड़िया सबके दिल में जिंदा है और हमारे घर में जो हमारे घर में भी हमारी गुड़िया हैं उनको अगर हमने बचाना है तो इस लड़ाई को हम और उठाना होगा और इसको हम उठाएंगे इसी विश्वास के साथ। आपका धन्यवाद। ये आपने जो सवाल किया और ये सभी जानते हैं कि गुड़िया इंसाफ के लिए जो उसकी लड़ाई है उस लड़ाई में उस तरीके से नहीं लड़ी गई जो पॉलिटिकल पार्टी की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उसमें मुझे गुरेज नहीं है कि जब गुड़िया एक बहुत बड़ा मामला बना उस मामले में बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन इस नाम पे हुआ था कि उस गुड़िया का भी नाम नहीं है, गुड़िया का मामला भी नहीं है कि जो आने वाला हमारी जनरेशन होगी, जो वीमेंस होगी वो सेफ होगी। उसमें सिर्फ जो गुड़िया सक्षम बोर्ड तो बना, ठीक है वो, लेकिन गुड़िया हेल्पलाइन भी बनी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे, आपको अगर आपको में प्रश्नकाल हुआ है जो विधानसभा के अंदर, उसमें साफ तौर पर इंडिकेशन जो हिमाचल की देवभूमि में जो ये रेप और मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं, तो उसमें साफ तौर पर 3 सालों का उसमें जिक्र किया था ब्यूरो का, मेरे ख्याल से 2100 कुछ मामले जो 3 सालों में यहाँ रेप के हुए हैं, जिसपे सिर्फ 925 पे चलान कटा और मात्र 30 लोगों को सजा हुई। तो आप कुछ समझ सकते हैं कि जो ये मामले हैं और सेंसिटिव मामले हैं और कितने किसी पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये फंस जाया करते हैं। पॉलिटिकल माइलेज जिसने उठाना होता है, ए बी टीम सी टीम जो भी हो, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन जिसको सूटेबल होता है उसका फ़ायदा उठाता है। जब उठाने के बाद जब वो चीज़ें, क्योंकि एक रोष जब जनता में रहता है तो रूटीन लाइफ में आदमी ना अपनी समस्या में उलझा रहता है, लेकिन इस केस में फिर भी लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया है। तो जब ये धीरे धीरे जब ये चीज़ जब थोड़ी वो कम होने लग जाती है तो फिर लोगों सरकारों को दिखता है कि इस केस में कुछ निकलेगा जो हमारा फ़ायदा है, पॉलिटिकल हमने निकाल दिया है। लेकिन नहीं, ये इस मामले से और जो ये प्रयास हैं, जो सांझे प्रयास हैं, इस मामले से सीख लेने की ज़रूरत है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और इसलिए भी लेने की ज़रूरत है कि, और आपको मैं बताऊं, जो सीआरपीसी की जो क्लॉजेज़ हैं, ये आपको मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि सीआरपीसी जो क्लॉजेज़ हैं उस क्लॉजेज़ का सरकार भी इस्तेमाल कर सकती थी, वो हाई कोर्ट भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीआरपीसी की उसी में ही मेरी इन्वेस्टिगेशन देनी थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, सरकार ठीक ढंग से नहीं निभा पाई, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसमें क्लॉजेज हैं और इंसाफ है और विश्वास पर टिका है, आदमी के विश्वास के ऊपर ज़्यादा निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से इस लड़ाई को अभी आगे चला पाते हैं।